के बताती हूँ। जाने आलम साहब की तरफ से आपका प्रेजेंट। आपका नाम? मरियम। सर मिस मरियम आई हैं जॉब के सिलसिले में। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं मुझ पर। सर जैसी लड़की आप मुझे समझ रहे हैं मैं वैसी नहीं हूं। तुमने तो शर्मिंदा ही कर दिया मुझे। यस सर, ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें हम राशन पहुंचा चुके हैं। अच्छा, वो पिछले हफ्ते 2 लड़कियां आई थी, बेचारी बहुत जरूरतमंद थी, उनका क्या हुआ? सर उन्हें फौरी तौर पे थोड़ा सा कैश और राशन दे दिया। ओके गुड, बस जरा ध्यान रखना हर महीने उनके घर राशन पहुंच जाना चाहिए। ठीक है सर। सॉरी अगर मेरे बिहेवियर से तुम्हें कुछ गलत लगा है कभी तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन ठीक है, मेरी जिस तरह तुमसे पहली मुलाकात हुई थी अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी यही समझती। बिलीव मी और नॉट, मुझे नहीं पता था कि मेरे आदमी तुम्हारे घर भी गए थे राशन लेके। नहीं सर, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, मेरी ही गलती है, मैंने आपको इतना गलत समझा, आपके खुलूस पर शक किया मैंने। नहीं कोई बात नहीं, बाजुकात इंसान से पहचानने में गलती हो जाती है। अरे सॉरी, मैं तुमसे पूछने भूल गया, चाय भी होगी और कॉफी? नहीं नहीं बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ, मेरी जॉब का टाइम है। सर वो मैंने सुना था आपके पास जॉब्स भी अवेलेबल है। तुमने कहा सुना? हाँ वैसे है तो क्यों, तुम्हारी क्वालिफिकेशन कहाँ तक है? सर बीए किया मैंने। सर बीए किया है, ठीक है, तुम अपनी सीवी ड्रॉप कर दो कल, मैं देखता हूँ अगर कोई जॉब वगैरह यहाँ होती है तो मैं एडजस्ट करता हूँ तुम्हें। जी सर। तुम जहाँ भी जॉब कर रही हो वहाँ से कितनी सैलरी लेते हो? 10,000। बस तो तुम्हारा गुजारा तो बड़ी मुश्किल से होता होगा। नहीं सर, हो जाता है। नहीं एक मिनट, तुम कल ही अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा करवाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जॉब निकालता हूँ किसी अच्छे सैलरी पैकेज पे। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। कौन थी लड़की आलम? कौन? जरूरतमंद थी और कौन थी? यहाँ क्या करने आई थी? क्या मतलब क्या करने आई थी? कोई जरूरतमंद किसी ऑफिस में क्यों आता है? नौकरी की तलाश में आई थी? जॉब। हैरत की बात है कि सारा शहर छोड़ के ये लड़की यहाँ आ पहुंची जहाँ पे वैकेंसी ही नहीं।
तुम उसे पहले से जानते हो ना? पागल हो गई हो क्या? मेरा एक दोस्त है, उसने भेजा था इसे। हेलो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? तुम शक कर रही हो? मैं जिस परेशानी में मुब्तला हूँ उसमें मेरे पास शक के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं। और पता नहीं क्यों तुम मेरी परेशानी को इतना लाइट ले रहे हो। क्या? कौन तुम्हारी परेशानी को लाइट ले रहा है? वो सब मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुम्हारा एहसास है। नहीं है तुम्हें एहसास? अगर एहसास होता तो अभी तक अपनी अम्मी से बात कर चुके होते। नारुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, जू जू वक्त गुजरा मेरी परेशानी भी बढ़ती जा रही है। यार मैं बस ऑफिस में आजकल इतना बिजी हूँ, इन दिनों इतना काम था कि मैं टाइम ही नहीं निकाल पाया अम्मी से बात करने के लिए। बिजी हो? इतना बड़ा मसला हमारे सर पे आया हुआ और तुम बिजी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी अम्मी से बात करना ही नहीं चाहते? तुम मुझे ढाल रहे हो ना? क्यों, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? तो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। तुम्हें मेरी फिक्र है ना? नहीं, अभी तो बिजी नहीं हो ना? कॉल करो अपनी अम्मी को, बात करो उनसे, अभी तो बिजी नहीं हो ना? मैं रात को सुकून से बात कर लूंगा। नहीं, अभी बात करो। तुमसे मैंने कहा कि मैं रात को सुकून से बात कर लूंगा। जाओ यहां से, अपने रूम में जाओ। जाओ। तो उसे शादी क्यों नहीं कर लेता? जो लड़की एक बार बहक जाए ना उससे शादी नहीं की जाती। बहकी भी तो तेरी बातों में आकर। हाँ, लेकिन जो एक बार मेरी बातों में आके बहक सकती है तो कल वो किसी की भी बातों में आके बहक सकती है। तो तुम क्या चाहते हो, ऐसी लड़की से शादी कर लूं? नहीं, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड? अगर तुमने उससे शादी नहीं करनी थी तो यूं उसकी जिंदगी तो बर्बाद ना करते। मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की है। हमारे दरमियान जो भी कुछ हुआ है वो बाहमी रसमबंदी से हुआ, मैंने फोर्सफुली कुछ नहीं किया है। आलम, कोई भी लड़की इतना बड़ा स्टेप अपनी मर्जी से नहीं उठाती। जरूर तुमने कोई आसरा दिया होगा उसे। हाँ यार, आश्रय तो दिए थे। वो सब मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरा दिल भर गया उससे। अब कुछ तो खौफ कर, जब देखो कोई लड़की लेके आ जाता तुझे डर नहीं लगता? डर लगता है मुझे, बदनामी से बहुत डर लगता है, अपनी बदनामी से। तो अपनी बदनामी से बचने के लिए दूसरों की जिंदगियों से खेलेगा? मैं तेरा लेक्चर सुनने या नहीं आया, मुझे ये बता कि तू मुझे हेल्प करेगा या नहीं। ये आखिरी बार है जब मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। दोबारा ऐसा कोई केस हो तो यहाँ लेकर मत आना, मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाता हूँ। चल, अगली बार कहीं और ले जाऊंगा, कल शाम को भेज दूंगा मैं। हाँ, टेक केयर। नूरसबा, मैं आजकल बहुत परेशान हूँ यार।
तुम्हारे हवाले से मैंने अम्मी से बात करने की कोशिश की, वो नहीं मान रही यार। अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। वो तो मुझसे कह देंगे कि जाओ घर से निकलो, बाहर जाके शादी कर लो, लेकिन ये मुझसे होगा नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए अपनी मां से नहीं लड़ सकता, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ शायद उससे ज्यादा अपनी मां से करता हूँ। तुम्हारी तकलीफ का एहसास है मुझे, मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो, बट प्लीज फॉरगिव मी, मैं मजबूर हूं यार। और मेरी मजबूरी का क्या आलम, मैं इस वक्त जिस पोजीशन में हूं उसका क्या? मुझे सिचुएशन का पूरी तरह एहसास है, मैं तुम्हारे लिए ही बहुत परेशान हूँ, इसीलिए मैंने इस सारे मामले का एक सलूशन सोचा है। कैसा है? यहाँ करीब में एक हॉस्पिटल है, वहाँ मेरा एक दोस्त होता है डॉक्टर काशिफ, तुम कल जाके उससे मिल लो, वो तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी एक लेडी डॉक्टर अरेंज कर देगा, इस मसले को कल ही खत्म करा दो। क्या बकवास कर रहे हो आलम, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? आलम ये हमारा बच्चा है, तुम्हें क्या हो गया? भी आई नो, लेकिन हमारे पास इस मसले का और कोई हल नहीं है, हम दोनों फंस जाएंगे। एक मिनट, ये कुछ पैसों का मैंने पे ऑर्डर बनवा लिया था, तुम्हारे काम आएंगे, ये रख लो। रो किसी घटिया बातें कर रहे हो आलम, मुझे किस किस्म की लड़की समझ रहे हो? मैं आलम, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, एक शरीफ लड़की हूं। तुम क्या हो तुम? बेबी शरीफ लड़कियां यूं अपने बॉयफ्रेंड के दिए हुए फ्लैट्स पे नहीं रहती हैं। इसका मतलब कि अरे नहीं जानू, मैं कुछ गलत थोड़ी सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, तुम तो बहुत अच्छी हो। देखो ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कुछ नहीं समझना, अभी कुछ देर पहले तुमने मेरे बारे में क्या कहा? नूर सबा तुम बच्ची क्यों बन जाती हो यार, ऐसा तो बोलो। देखो मैंने अम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की है, वो नहीं राजी हो रही तो मैं क्या करूं, वो पुराने वक्तों की है, उनकी नजदीकी ऑफिस जाने वाली लड़कियां शादी के लिए ठीक नहीं होती, उन्होंने मेरे लिए कोई ईस्टर्न लड़की सोची हुई है जो घर के काम काज करे, और कपड़े, अब ये कपड़े देखो जरा अपने, मैं कैसे मिलवाऊंगा तुम्हें? प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। अगर तुम इतने ही मजबूर थे आलम, तो फिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है? ये लड़की इतनी जल्दी क्यों भूल जाती है यार? पता है क्या नूरो सब, मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी,
और ना ही तुम दूध पीती बच्ची हो कि तुम्हें किसी बात का इल्म ना हो। ये घर जो बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, वो सारे नौकर चाकर, तुम्हारी जॉब, सब मेरी देन है। तुम्हें जाने आलम का शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना लड़कियों की कमी नहीं है मुझे। ये जो आज तुम ब्रांडेड कपड़े पहनती हो, जिस सोसाइटी में उठती बैठती हो, रात भर पार्टी करती हो, ये सब भी मेरी मरहून मिन्नत है। यार गलती किससे नहीं होती, मुझसे भी हो गई। फ्रस्ट्रेशन में मुंह से निकल गया यार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ। नहीं जाने आलम, जैसा तुम चाहते हो वैसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही होगी, वरना मैं चीख चीख के पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुम्हारे और मेरे दरमियान क्या ताल्लुक था। अब आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम अपनी अम्मी को मेरे लिए कैसे मनाते हो। तो तुम चीख चीख के दुनिया को बताओगी। टुकड़े किए मुझको तुझसे मेरी